है साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ताज होटल का बारे में, जो टाटा ग्रुप का है। तो साथियों, मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई में ताजमहल होटल स्थित है। यहाँ दूसरे शहर से आने वाले लोगों का सपना पूरा होता है, ये कहा जाता है। वैसे मुंबई बॉलीवुड के चलते सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी शिरकत करने आते हैं साथियों। यहाँ में बॉलीवुड स्टार लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति लोग आते हैं। जैसे स्टार में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, यहाँ हमेशा लोग आते रहते हैं। यहाँ पर रुकना आम लोगों की बस की बात नहीं है साथियों। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ताज होटल के बारे में। ताज होटल का मालिक कौन है? ताज होटल का वेटर का सैलरी कितना है? ताज को बनाने में कितना खर्च आया था? तो साथियों, ताज होटल में काम करने वाले वेटर के सैलरी सुनेंगे तो अब दांतों तले अंगुलियां चिबा लेंगे साथियों। एक वेटर का सैलरी है 1,30,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक मिलता है पर महीना। तो साथियों, आप सोचते होंगे इतना मोटा रकम क्यों मिलता है? क्योंकि वेटर को अच्छा मेहनत करना पड़ता है, ग्राहक के साथ अच्छा बात करना पड़ता है। कहा जाता है उसका व्यवहार है उसका सैलरी माना जाता है। ताज होटल का एक कुक का सैलरी सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक कुक का सैलरी आपको 80,000 से लेकर 11,00,000 रुपए तक मिलता है साथियों। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, उससे उसका सैलरी बढ़ाया जाता है। तो अब साथियों, ताज होटल का खाना का बारे में बात करेंगे। ताज होटल में रेस्टोरेंट समियाना, सी लाउज, मसाला करप, स्टारबक्स, हरवा रेस्टोरेंट है। ताज होटल में समियाना रेस्टोरेंट काफ़ी लोकप्रिय है साथियों। रेस्टोरेंट में वेज थाली का रेट 2,000 रुपये रखा गया है। एक प्लेट आलू पराठा 885 रुपये है साथियों। सी लाउज के बारे में बात करेंगे। यहाँ थोड़ा महंगा है। यहाँ दो लोग खाने का खर्च लगभग 6,000 से 8,000 रुपया आता है साथियों। यहाँ में एक कप चाय की कीमत 500 रुपया है। ताज होटल में रुकने के लिए एक दिन का खर्चा आता है साथियों 28,000 से लेकर 12,00,000 रुपया तक। साथियों, ताज होटल में 560 कमरा है और 40 स्वीट है, जो टाटा स्वीट का नाम से जाना जाता है। जो टाटा स्वीट काफ़ी महंगा और काफ़ी लोकप्रिय साथियों। इसका एक दिन का किराया है 10,00,000 रुपये। तो साथियों, ताज होटल में एक गार्ड का नौकरी का सैलरी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ताज होटल में गार्ड का सैलरी आपका पर महीना 1,00,000 रुपये मिलता है साथियों। तो साथियों, अब बात करेंगे ताज होटल की कमाई के बारे में। ताज होटल की एक साल की कमाई है 4,174 करोड़ रुपये साथियों। वहीं इसके 100 से ज़्यादा ब्रांच है साथियों। ताज होटल देश ही नहीं, देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय है साथियों। ये इंडिया का पहला 5-स्टार होटल भी है। भारत के अलावा भूटान, श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव, दुबई, नेपाल, साउथ अफ्रीका। ताज होटल मुंबई के कोलवा में स्थित है, जो गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में है। ताज होटल को 1903 में बनाया गया था साथियों। इसका बजट उस समय आया था 25,00,000 रुपये। 117 साल पुराना है साथियों। टाटा ग्रुप का चेयरमैन जमशेदजी टाटा थे, जो टाटा ग्रुप का संस्थापक माना जाता है। जमशेद जी फारसी धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, जो फारसी धर्म मूल ईरान का धर्म कहा जाता है, जो पहले ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। इसका संस्थापक, फारसी धर्म का संस्थापक जरतुष्ट था साथियों। ये 3,500 साल पुराना धर्म है साथियों। फारसी धर्म में आग को पूजते हैं। तो साथियों, इसके बाद 2008 में इसमें आतंकवादी हमला हुआ था, जो पाकिस्तान का द्वारा कराया गया था। तो साथियों, इसके बाद भी इस होटल में कोई कमी नहीं आया साथियों इसका शान और शौकत में। ये होटल फिर भी काफ़ी चर्चित और काफ़ी नामी है साथियों। काफ़ी महंगा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है साथियों। पहले जैसे चल रहा था अभी वैसे ही चल रहा है साथियों। तो साथियों, ये रहा आपका ताजमहल होटल का परिचय साथियों, और टाटा ग्रुप का परिचय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है साथियों। थैंक यू साथियों।